आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब ये निश्चित हो गया कि अब महाभारत का युद्ध होगा ही, सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए। कौरव भी अपनी तैयारी में थे और पांडव भी अपनी तैयारी में थे। तो कौरवों के पक्ष में लड़ने वाला जो महान धनुर्धर था, वह कर्ण था। कर्ण में युद्ध का रुख मोड़ने की बड़ी ही अद्भुत क्षमता थी। इसीलिए वीरों की श्रेणी में कर्ण का बड़ा ही सम्मान था। बहुत सारे लोग इससे भयभीत रहते थे। तो माता कुंती ने विचार किया कि जब अब युद्ध निश्चित हो ही गया है और कर्ण ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अर्जुन का वध करूँगा, महान वीर है, कुछ भी कर सकता है, तो क्यों ना मैं स्वयं जाकर के और कर्ण को वास्तविक हकीकत बताऊं कि कर्ण तू मेरा ही पुत्र है और अपने ही भाइयों से तुम्हें युद्ध करना शोभा नहीं देता। ऐसा विचार करके माता कुंती कर्ण के महल में पहुंची। दरवाजे पर जब माता कुंती पहुंची, तब दरबान ने कर्ण को सूचना दी कि प्रभु, पांडवों की माता आपसे भेंट करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई है। कर्ण दौड़ा दौड़ा गया और माता कुंती के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहने लगा कि आज मेरे बड़े भाग हैं, सूत पुत्र के यहाँ पर पांडवों की माता पधारी हैं। माता, इस सूत पुत्र के बड़े भाग हैं, मेरे तो भाग ही खुल गए कि पांडवों की माता मेरे यहाँ पर पधारी है। सासम्मान आदर के साथ कर्ण ने कुंती को अपने महल के भीतर ले गए और सुंदर आसन के ऊपर उनको बिठाया, उनके चरण पखाले, संपूर्ण महल में उस जल को छिड़कवाया और अपने स्वयं के शरीर के ऊपर भी उस जल को छिड़का। कर्ण दोनों हाथ जोड़कर पुनः पुनः कहने लगा कि आज इस सूत पुत्र के भाग खुल गए हैं, क्योंकि जगत प्रसिद्ध पांडवों की माता इस सूत पुत्र के यहाँ पर आई हैं। धन्य हैं आज मेरे भाग, मैं अपने भाग के ऊपर बड़ा गौरवान्वित हूँ। तब माता कुंती कहने लगी कि पुत्र, तुम सूत पुत्र नहीं हो, बार बार अपने आप को सूत पुत्र मत कहो। हे पुत्र, मैं ही तुम्हारी जननी हूँ, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है, तुम मेरे ही पुत्र हो। तब कर्ण कहने लगा कि माता, मैं तो गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जो पिता हैं अधिरथ जी, उन्होंने मुझे गंगा के जल से बाहर निकाला और माता जो मेरी पालने वाली माँ हैं वो राधिका हैं। मैं तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता हूँ माँ? यदि मैं तुम्हारा पुत्र होता तो मैं तुम्हारे पास में रहता, मैं गंगा में कैसे पहुँच गया? तब कुंती कहने लगी कि हे पुत्र, देववश तुम मेरे कुमारी अवस्था में ही मेरे गर्भ से तुमने जन्म ले लिया, उस समय मैंने लोक लाज के भय से तुम्हें जल में प्रवाहित करवा दिया था। हे कर्ण, तुम मेरे अपने पुत्र हो, मेरे ही गर्भ से तुमने जन्म लिया है। कर्ण कहने लगा कि माँ, माँ तो माँ होती है, बच्चे के ऊपर
जब भी कोई विपदा आती है, जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा रोने लगता है, उसे कोई कष्ट होता है, कोई भय होता है, तो माँ तो उसे अपने आँचल में छिपा लेती है। और जब बच्चा माँ के आँचल में छिप करके बैठ जाता है माँ, तो बच्चा निर्भय हो जाता है। आप बताइए कि एक माँ अपने बच्चे का कैसे त्याग कर सकती है और कैसे उसे अगाध जल राशि में छोड़ सकती है? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है माँ। मैं तो गंगा के गर्भ से निकला और अधीरथ पिता ने मुझे गंगा के गर्भ से निकाल कर माता राधिका की गोदी में दे दिया। हे पांडवों की जननी, मेरी माँ तो राधिका है, जिसके स्तनों का मैंने दुग्ध पान किया है, जिसकी गोदी में लेट करके मैं संसार के सभी भय से मुक्त हो जाया करता था। मेरी माँ तो राधिका है, मैंने उसकी ही गोदी में अपने बचपन की किलकारी ली है माँ। यदि मैं तुम्हारा पुत्र होता तो मैं तुम्हारी गोदी में लेट करके अपने बचपन को गुजारता। माँ, मेरा बचपन तो राधिका की गोदी में बीता है, मैं कैसे ये मान लूँ कि तुम मेरी माँ हो? भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि कोई माँ अपने नवजात तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को जल में कैसे विसर्जित कर सकती है? माँ, तो आप तो बड़ी धर्मज्ञ हो। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मैं राधिका का बच्चा हूँ, अधीरथ मेरे पिता हैं, मैं सूत पुत्र हूँ माँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। ये दुनिया यही कहती है माँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं सूत पुत्रों के यहाँ पाला गया हूँ। तब कुंती कहने लगी कि हे पुत्र कर्ण, मैं सत्य शपथ धर्म की लेकर के कहती हूँ कि तुम मेरे ही पुत्र हो और तुम्हें अपने भाइयों के विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। तुम मेरे पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पांडु कुल का राजा घोषित किया जाए और तुम पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। तब कर्ण पुनः कहने लगा कि मैं, जब मुझे जल में आपने प्रवाहित कर दिया और मेरे पिता अधीरथ ने मुझे जल में से निकाला, राधा की गोदी में दिया, मैं एक क्षत्रिय होते हुए भी मुझे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़े, मेरे में योग्यता होते हुए भी गुरु द्रोणाचार्य महाराज ने एक बार मुझे विद्या का दान देने से मना कर दिया। उस समय दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना के फलस्वरूप गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने मुझे अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। उनसे मैंने शस्त्र और अस्त्र दोनों चलाने की विद्या सीखी। यदि दुर्योधन नहीं होता तो गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज मुझे किसी भी प्रकार की विद्या का दान नहीं करते। माँ, मेरे ऊपर दुर्योधन का बड़ा ही उपकार है। फिर जब लोग बार बार मुझे सूत पुत्र कह करके अपमानित किया करते थे, द्रौपदी स्वयंवर में मैं योग्य होते हुए भी जब मत्स्य वेधन करने के लिए उठ करके खड़ा हुआ, उस समय द्रौपदी ने मेरा अपमान किया कि मैं सूत पुत्रों से विवाह नहीं कर सकती, ये राजकुमारों की यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो रही है, ये कौन से देश का राजकुमार है? उस समय मेरे पास में कोई राज्य नहीं था। तब दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा घोषित किया। तो दुर्योधन के मेरे ऊपर बड़े ही उपकार हैं। इस समाज में यदि मुझे सम्मान दिया है तो दुर्योधन ने सम्मान दिया है। माता,
मुझे और कोई मेरे परिवार ने सम्मान नहीं दिया। मेरा परिवार यदि होता तो मुझे सम्मान मिलता। मैं मेरा परिवार तो वही परिवार है जिनने मुझे सम्मान दिया है। और यदि अब आप धर्म की शपथ लेकर के कहती हैं कि मैं आपका ही पुत्र हूँ, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि आप मेरी माता हैं। आप मुझसे क्या चाहती हैं? केवल एक बात मुझसे मत मांगना कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ। मैं उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद कायम है, तब तक मैं दुर्योधन का पक्ष करता रहूँगा और उसके ही पक्ष में युद्ध करूँगा। तब माता कुंती कहने लगी कि हे पुत्र, मैं तुमसे अब अंत में एक ही बात मांगती हूँ कि जब भी युद्ध में पांडवों का और तुम्हारा आमना सामना हो जाए, तो वे तुम्हारे भाई हैं, पांडवों का वध मत करना। तब कर्ण कहने लगा कि माता सुनो, मैं शेष चार पांडवों का वध नहीं करूँगा, और यदि अर्जुन मेरे सामने अगर आ गया तो ये मेरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि अर्जुन ने मेरा बहुत अपमान किया है। अर्जुन मेरे से सामने आकर जब युद्ध करेगा तो मैं अर्जुन का वध जरूर कर दूंगा। इसमें आपको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगत में तुम पांच पुत्रों की माताओं के नाम से विख्यात हो। यदि अर्जुन के हाथों मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी तुम्हारे पांच पुत्र जीवित रहेंगे, और मेरे हाथों यदि अर्जुन की मृत्यु हो जाती है तो भी तुम्हारे पांच पुत्र जीवित रहेंगे। फिर भी तुम पांचों पुत्रों की माता कहलाओगी। जब कर्ण ने ऐसा कहा तब माता कुंती कहने लगी, हे पुत्र ठीक है, परंतु मेरा तो विचार ऐसा था कि तुम पांडवों की ही तरफ से युद्ध करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तब कर्ण हंसते हुए कहने लगा कि माताजी, ये कभी संभव नहीं है। मैं सदैव दुर्योधन का ऋणी हूँ और मैं उसी के पक्ष में युद्ध करूँगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की। जय प्रशांत।